हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, बड़े दिनों के बाद आज आई हूँ मैं आपके सामने वीडियो लेकर अपना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इतने दिन से अपने वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर रही थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि 12 नवंबर को मेरे अबू का इंतकाल हो गया फ्रेंड्स। मेरे अबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे अबू की वजह से मैंने वीडियो नहीं डाले क्योंकि मेरा मन नहीं किया कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं। तो बस फ्रेंड्स, बड़े दिनों के बाद मैं आपके सामने आई हूं वीडियो लेकर अपना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब फैमिली मेरा वेट कर रही होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन यही है ना कि ज़िंदगी में अपने हर दर्द को बुलाकर हमें आगे बढ़ना होता है फ्रेंड्स। तो बस सभी के समझाने पर मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरा परिवार। तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझाया कि ऐसे ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानते। और माँ बाप, एक ना एक दिन सबके जाना है, किसी को पहले किसी को बाद में। इस तरीके से मुझे मेरी मम्मी ने समझाया, मेरी सासू माँ ने। तो बस उनके कहने पर, उनके समझाने पर आज मैं आई हूँ, क्योंकि उन्होंने यही कहा मुझसे कि बेटा, इस तरह से ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानते। और माँ बाप किसके रहे, हमारे भी तो नहीं है ना बेटा। आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, पीछे मुड़ के मत देखो। तो बस इसलिए फ्रेंड्स मैं आज आई हूँ। तो मैं आज एक सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। मेरी सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आलू गोभी की सब्ज़ी। तो देखिए, अगर आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई गैस पर रख दी है और इसमें 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है फ्रेंड्स। मस्टर्ड ऑयल में हम ये सब्ज़ी बना रहे हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म होगा तब तक हम ले लेते हैं कुछ स्पाइसी मसाले, खड़े गर्म मसाले। तो चलिए, तो स्पाइसी मसालों में मैं यहाँ लूँगी ये गर्म मसाले के पत्ते, ये 4 लिए हैं, और थोड़ा सा ये गर्म मसाले का फूल लूँगी, और 4-5 काली मिर्च, 4-5 लौंग लेंगे। बहुत सिंपल सी, इजी सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर से ट्राई करें। और यहाँ पर ये थोड़ी सी हम दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, थोड़ी सी जापत्री लेंगे। जापत्री ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ एक बड़ी इलायची लेंगे हम। बस इतनी ही चीज़ों से हमें इसे छोंकना है। तो चलिए करते हैं आगे की प्रोसेस। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, तो अभी हम इसमें डालेंगे। तो बस ये जो हमने स्पाइसी मसाले लिए हैं, खड़े गर्म मसाला, ये डालेंगे हम, और इसको हल्का सा सौटे होने देंगे। और यहाँ मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो बस ये गर्म मसाले के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। और इसमें हल्का गोल्डन कलर आने तक हमें प्याज को फ्राई करना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर, और उसके बाद हम करेंगे आगे की प्रोसेस। तो बस ये बढ़िया हल्का गोल्डन कलर आ गया है, और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें प्याज फ्राई करनी है, ना हाई करना है ना स्लो करना है, मीडियम रखना है बस। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले आलू। तो आलू लिए हैं मैंने 500 ग्राम, आधा किलो ये आलू मैं डाल रही हूँ, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम, और 2 मिनट प्याज के साथ ढककर पकाएंगे हम। उसके बाद इसमें हम गोभी डालेंगे। तो पहले 2 मिनट के लिए मैं इसे ढककर रखूँगी मिक्स करके। बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अभी हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर रखते हैं। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं और अभी हम चेक कर लेते हैं, एक बारी मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें गोभी,
गोभी मैंने 500 ग्राम लिया है, आधा किलो। इसे भी हम मिक्स करेंगे। और आलू मैंने छोटे टुकड़ों में कट किया है, ये आप देख ही सकते हैं। और गोभी को मैंने कुछ इस तरीके से कट किया है बस। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत टेस्टी सब्ज़ी है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, फ्लेवरफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, एकदम सिंपल। बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ का गाजर। गाजर बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, मुझे और मेरे बच्चों को पसंद है, मैं इसलिए डाल रही हूँ। वरना आप सिंपल प्लेन गोभी आलू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये डाल रही हूँ। अगर आप मटर पसंद करते हैं, और मटर का तो सीज़न चल ही रहा है, तो आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। तो ये बस मिक्स करेंगे हम, और फिर से 2 मिनट के लिए ढककर रखेंगे हम। फिर से 2 मिनट बाद मिलेंगे फ्रेंड्स। इसे मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से मैंने, और बस 2 मिनट इन्हें पकने देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अभी एक बार फिर से हम इसे चलाएंगे। और अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ नमक मैं 1 टीस्पून भरकर ले रही हूँ, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। बस ये 1 टीस्पून जाएगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम नमक के साथ। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्च लंबे टुकड़ों में कट करके रखी हैं, ये डालूँगी। और इसे डालकर भी एक बार मिलाएंगे। और बस 2 मिनट ढक के रखेंगे। तो बस 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये जाएगा। 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, ये। और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए, एक बढ़िया सा कलर लाने के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये मेरी फेवरेट है। तो बस अभी हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, बस ये सिंपल तरीके से बनाते हैं इसी तरह से। और ये बहुत टेस्टी लगती है जब इस तरह से बनाते हैं ना, तो ये जो मिक्स वेज हम कभी कभी खाते हैं ना, मिक्स वेज, बिल्कुल मिक्स वेज का जैसा टेस्ट इसका आता है, फ्लेवर इसका मिक्स वेज जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है। तो बस ये अभी मैंने चला दिया है आपसे बात करते करते, और अभी मैं इसको ढक कर रखूँगी इसके सॉफ़्ट होने तक, हल्का हल्का सॉफ़्ट होने तक। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो 50% तक गल चुकी हैं, सॉफ़्ट हो गई हैं। और मैंने इसमें कोई पानी का यूज़ नहीं किया है, बस मैं गैस के फ्लेम को मैंने स्लो रखा है, और स्लो फ्लेम पर मैंने इन्हें सॉफ़्ट किया है। बस ये जो हम ढक के रख रहे हैं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, उसी में ये सॉफ़्ट हो गई हैं। तो बस अभी इस पॉइंट पर मैं डालूँगी 50%, हमें इन दोनों चीज़ों को गलाना है, तीनों चीज़ों को सॉरी। और फिर हमें इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक कट किए हुए डालने हैं, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत टेस्टी है। आप इसे सफ़र में टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, बड़े या बच्चे। और सूखी सब्ज़ी है, ना कोई फैलने का झंझट है ना कुछ, और बढ़िया से ये बन जाती है। तो बस अभी इस पॉइंट पर हमने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालना है, तो वो मैं डाल दूँगी करीब 1/2 टीस्पून के करीब, इसे हमें डाल देना है। तो बस ये हमारा हो गया है, और अभी मैं इसे मिक्स करूँगी काली मिर्च पाउडर के साथ। और अब इसे हम 90% के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे, और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स हो जाएंगे,
और सब्ज़ी भी हमारी पूरी तरह से गल जाएगी। 100% नहीं गलाना है, बस 90%। तो फिर से ढक के रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सब्ज़ी है वो 90% गल चुकी है, सॉफ़्ट हो गई है। बस 2-3 मिनट लगे थे इसको सॉफ़्ट होने में और ये बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसे सर्व कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर लिया है, एकदम खूबसूरत यम्मी टेस्टी हमारी गोभी आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी गोभी आलू की रेसिपी, मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको मेरी ये गोभी आलू की वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द लौट कर आऊँगी एक नई फ़न रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।